May the lights of Diwali spread into your life peace, prosperity, pleasure and good health. Divine Vastu ki taraf se aap sabko Diwali ki shubhkamnaye. Please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ में ईरा, शो लेके आए हैं आपके लिए वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। अभी तक स्टूडियो में जुड़े थे वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी फ्रॉम डिवाइन इंट्यूशन, जो लोग उनसे बात करना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉल नहीं लगा या फिर शो खत्म हो गया और बात नहीं हो पाई। आप अब उन्हें फोन करें उनके सेल फोन नंबर पे 510-931-3107। अब इस शो में अब से लेकर 3 बजे तक हमारे साथ में जुड़ने वाली हैं रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट, आती हैं डिवाइन वास्तु से और वो लेके आती हैं आपके लिए वास्तु की नॉलेज, वास्तु का ये शो, आपके वास्तु के डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, वास्तु में कौन सी चीज की कितनी अहमियत है, डायरेक्शंस की, कलर्स की, हर चीज के लिए एक वास्तु है। एंड वी हैव लर्नड सो मच अबाउट वास्तु फ्रॉम रेवा जी। रेवा जी का कुछ 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने इसी फील्ड में पढ़ाई भी की है, PhD भी किया है एंड ऑफकोर्स एक्सपीरियंस भी है, काम भी किया है। लिसनर्स, अगर आपके पास कोई भी सवाल है, इफ़ यू आर सीकिंग आंसर्स, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रेवा जीज हेल्प, यू कैन गेट इन टच विद हर। उनका नंबर है 510-868-3338। रेवा जी शी ट्रेवल्स ऑल ओवर द कंट्री, ऑल अक्रॉस द कंट्री टू हेल्प हर क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को कंसल्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनके उनको जो भी मदद चाहिए होती है वास्तु में, चाहे वो उनके घरों का वास्तु हो या फिर ऑफिसेस का या वर्क प्लेसेस का, किसी भी चीज़ का वास्तु हो, रेवा जी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प। रिमेंबर, आप अभी फोन कर सकते हैं उनसे, यू कैन आस्क वन क्वेश्चन ऑन द स्टूडियो नंबर 510-770-1550 इज द स्टूडियो नंबर 510-770-1550। और उनका डायरेक्ट नंबर जो है फॉर आफ्टर द शो, दैट इज 510-868-3338। एंड रेवा जी की वेबसाइट है worldofdivinevastu.com, दैट्स worldofdivinevastu.com। रेवा जी, चलिए इसी बात पे आगे बात करते हैं। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी हीरा, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। जी हाँ, बिल्कुल, आप सबको, जैसे कि अभी पहले हम रितेश जी के साथ शो कर रहे थे, दिवाली बिल्कुल आ गई है और नेक्स्ट वीक है दिवाली। दिवाली के शुभ अवसर पर आपको ढेर सारा वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की तरफ से बधाई, मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ये दिवाली का त्यौहार आपके जीवन में हर तरह से खुशियां ला रहा है, कि जैसे कहते हैं ना कि अंधेरे में दीपक जलता है तो रोशनी होती है, क्योंकि कई बार होता है कि ईरा अंधेरे में अगर हम चल रहे हैं तो ठोकर लगती ही लगती है। तो अंधेरा यही नहीं है कि लाइट बंद कर दिया तो अंधेरा है, अंधेरा हो जाता है कि जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता, तो उस समय उस परेशानी में अगर हम कभी कोई कदम उठाते हैं तो गिरते हैं, सोचते नहीं है, समझते हैं, लेकिन अगर वहाँ थोड़ा सा भी एक दिया भी जल रहा होगा तो आपको एक रोशनी, एक रास्ता जीवन का दिखाई देता है। तो ये दिए हमेशा आपके जीवन में जलते रहें, यही शुभकामनाओं के साथ में मैं आज के शो की शुरुआत करती हूँ और यही अपने परम पिता परमेश्वर से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सबसे, जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग आप सबसे जुड़े हैं, आपके परिवार में हमेशा सुख शांति रहे और ये दिवाली का त्यौहार हमेशा हमेशा आपके परिवार में खुशियों के दीपक जलाता रहे। इसी के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो लिसनर्स, अगर आप जैसे रेवा जी दिवाली की डूज एंड डोंट्स या फिर दिवाली की जो टिप्स देंगी, आप उनको नोट जरूर कर लीजिएगा, पेपर और पेन अपने पास रेडी रखिए, एंड शी विल बी गिविंग आउट सम टिप्स जो आप जरूर नोट डाउन करें। लेकिन अगर कुछ भूल भी जाते हैं, कुछ नहीं नोट डाउन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक आई सेड, यू कैन कॉल हर डायरेक्टली ऑन हर डायरेक्ट नंबर 510-868-3338।
या फिर इस शो की रिकॉर्डिंग जब अपलोड होगी रेडियो जिंदगी की वेबसाइट पे या फिर रेवा जी पे अपलोड करेंगी तो भी आप सुन सकते हैं, तो ऐसा कुछ मिस आउट नहीं हो जाएगा, बस ध्यान से आप सुनिए। जी रेवा जी। बिल्कुल ईरा, क्योंकि जैसे कि ये साल हमारा सूर्य से जुड़ा था, तो अकॉर्डिंग टू वास्तु, वास्तु और दीपावली को एक हम बहुत ही बड़े गठबंधन से लेके हमेशा चलते हैं। तो आपको जो ये साल करना है, दिवाली का पूजन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इन तीन में दिन में तीन कलर को जितना भी आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, दैट इज अ गोल्डन येलो एंड रेड कलर जो आपके सूर्य से जुड़ा हुआ है, इवन कि ऑरेंज कलर को भी आप ले सकते हैं। वैसे ये फेस्टिवल तो होता है 5 डेज का, जो मंडे को स्टार्ट होगा फ्राइडे को होगा, एक अलग होता है। और वैसे अगर हम हिंदू रीति रिवाज के साथ में देखें तो ये आज शुरू हो चुका है, क्योंकि अष्टम कल से ही लग चुकी थी, जिसको हम होई अष्टमी बोलते हैं। उस होई अष्टमी से हम काउंट करके 8 डेज को लिए पूरा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस अगर होई अष्टमी को लेकर चलते हैं तो दिवाली की पूजन करते हैं। अगर आप होई अष्टमी नहीं भी करते हैं तो आप उसको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीन दिन के लिए लेके प्लस 2 दिन में इसको फाइनल करेंगे, 5 दिन की हम ये पूजा दिवाली की चलेगी। इन 5 दिनों में क्या कलर्स हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, हमेशा की तरह अब भी कहूंगी कि दिस इज राइट टाइम टू डीक्लटर योर होम। अपने घर को पूरा डीक्लटर करने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप इसको संडे तक पूरा कंप्लीट कर सकें। वीकेंड है आपके पास में, समझती हूँ कि आप लोग बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी वीकेंड पे थोड़ा समय जरूर निकालिए और पूरी फैमिली को, जो बच्चों को लेके, खुद हस्बैंड वाइफ मिलके जो भी घर में है, ये कोशिश कीजिए कि सैटरडे संडे हम खत्म कर सकें। सैटरडे को नया झाड़ू लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नया झाड़ू आप जरूर इस सैटरडे को लेके आए, और पुराना झाड़ू आप नया झाड़ू लाने के बाद घर से बाहर कर दीजिएगा। घर से बाहर का ये मतलब नहीं है कि आपके ट्रैश बिन में पड़ा, इट वुड बी लाइक दिस। झाड़ू को जब लेकर आए उसको छिपा के रखिए, साउथ साउथ वेस्ट की तरफ झाड़ू को रखिए। झाड़ू को कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दिस इज ए सिंबल ऑफ लक्ष्मी जो पैसे से जुड़ा हुआ है। इसको अगर आप छिपा के रखेंगे, जैसे कि हम लक्ष्मी को पैसे को छिपा के पर्स में रखते हैं, कभी आपने देखा कि पैसे आप खुले लिए घूम रहे हैं, कभी नहीं होता। तो उसी तरह आपने इस पैसे को छिपा की तरह रखना है, तो लक्ष्मी को जिसको झाड़ू कहते हैं उसको आप एक तरफ छिपा के रखेंगे। झाड़ू को कभी भी पैसे ठोकर मत मारिए, अगर पैसे ठोकर मारते हैं तो पैसे का नुकसान होता है, इसको याद रखिए, इसको एक तरफ रखिए, ना ही कभी उसको जंप करना चाहिए, कहते हैं ना कि कूद लिया उसके ऊपर से निकल गए, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिवाली जिस दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, मंडे को जब आप दीपक जलाएंगे तो आपको 5 एलिमेंट्स को साथ में दीपक के जगह देनी है। ये धनतेरस सूर्य को लेते हुए गोल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना ज्यादा आप गोल्ड खरीद सकते हैं, अगर धनतेरस के दिन मंडे के दिन आप खरीदते हैं या आप नया बर्तन खरीदते हैं, पीतल का बर्तन भी अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं सूर्य का साल जुड़ा होने से, अगर नहीं तो कॉपर का भी ले सकते हैं, चांदी का भी लीजिए, लेकिन अगर चांदी का लेकर आ रहे हैं घर में तो उसमें जैगरी गुड़ को जगह जरूर दीजिएगा, सिर्फ चावल को नहीं है, चावल और गुड़ दोनों, जैसे कि अगर आपने एक पेयर ग्लास का लिया चांदी का तो एक में आप चावल भर के रखें, जिसको अक्षय को हम लक्ष्मी से जुड़ा मानते हैं, जैगरी को हम सूर्य से लेकर चलते हैं और विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ लेते हैं, तो विष्णु लक्ष्मी का एक आपस में बहुत बड़ा संबंध माना जाता है। प्लस ये हमारे वाटर एलिमेंट को बहुत इन्हेंस करता है चावल, और हमारे फायर एलिमेंट को इन्हेंस करेगा जैगरी। तो वाटर एंड फायर द बोथ थिंग्स हैज टू बी वेरी मच, आप कह सकते हैं कि जितना भी आप इन्हेंस कर सकते हैं आपको ये एनर्जी इन्हेंस करनी है। तो आप जो 16 तारीख का मंडे को है उस दिन कोशिश कीजिए जैसे आप गोल्ड से जुड़ी धनतेरस के दिन में सामान लेकर आ सकें, कोई भी सामान के साथ में जैगरी जरूर लेके आइए, राइस जरूर लेके आइए। जब आप धनतेरस की स्थापना करते हैं तो वहां पर उस दिन से आपको एक रेमेडी करनी है, मैं आपको 2 रेमेडीज शेयर करने के लिए जा रही हूँ। तो आज हो सकता है मैं आपकी कॉल्स नहीं लूं, लेकिन फिर भी आप इनको नहीं समझ आए तो आप हमें शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं। 2 रेमेडीज करनी है, सबसे पहले इस बार आपको रेमेडी करनी है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आप कॉपर की पैनिस लीजिए, इस बार आपको 9 कॉपर पैनिस लेनी है, बिल्कुल फ्रेश कॉपर पैनिस होनी चाहिए, जैसे न्यू पैनिस होती है, बिल्कुल क्लीन नीट व्हाइट, जंग लगी हुई बिल्कुल मत लीजिएगा। 9 कॉपर पैनिस लेनी है। अब आपको क्या करना है, साथ में एक कॉइन लेना है लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, जिसमें बैठे हुए हो, खड़े हुए नहीं हो, वो आप गोल्ड का लें, सिल्वर का ले लें, आपकी अपनी इच्छा है।
आपको एक कोई भी प्लेट ले लीजिए, उस प्लेट के अंदर में एक ग्लास में आपने पूरा चावल भरा हुआ होना चाहिए, और एक ग्लास के बीच में आपको चाहे जैगरी डाल के रखिए, चाहे शक्कर रखिए, चाहे ब्राउन शुगर रखिए, दैट्स अप टू यू। तो दो ग्लासेस आपने एक प्लेट में रखा है, उस प्लेट के बीच में जिसमें आपने राइस रखे हैं, चावल रखे हैं, उसके अंदर आप 9 पैनीज ऊपर रखेंगे, और जहां पे आपने जैगरी रखी है जिस ग्लास के अंदर में, उसमें आप अपना सिल्वर या गोल्ड वाला क्वाइन रखेंगे। अब आपको क्या करना है, उन्हीं दो को एक प्लेट में रखेंगे, उस प्लेट के साथ में ही कहीं पर भी आप एक छोटा सा दीपक रख सकती हैं, या रेड कलर के फ्लावर्स पेटल्स, रेड कलर के फ्लावर पेटल्स रखें। बहुत अच्छा होगा अगर उसके किसी मनी प्लांट को उसके पास में रखें, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बुध के दिन हमारी दिवाली पड़ी है जिसमें हमने ग्रीन को इनहेंस करना है, एंड ग्रीन इज रिलेटिव विथ योर मर्करी। मर्करी जितनी आपकी इनहेंस होगी उतना ही आपका करियर जुड़ेगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा, पैसे की हमारे घर में बहुत ही फायदा होगा। तो आपको क्या रखना है कि वहां पे मनी प्लांट रखना है, जो आपने दिया रखा है उस दिया को आपने मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे तीनों दिन उसी दिए के अंदर में दो दो लौंग थोड़ा सा कपूर डाल के जरूर से जरूर जलानी है। उस मिट्टी के दिए में छोटा सा कपूर का टुकड़ा रखिए, उस पे दो लौंग रखिए, उसको आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन धनतेरस के दिन में और छोटी दिवाली के दिन में और बड़ी दिवाली के दिन ये तीन दीपक आपको जरूर जलाने हैं। अब जो तीन दिन ये जलेगा, अब आ जाता है फोर्थ डे फिफ्थ डे। उस दिन आपको क्या करना है, जब आप दिया जलाएंगे कपूर और लौंग डाल के फोर्थ और फिफ्थ डे को, मींस कि थर्सडे एंड फ्राइडे को, वहां पर आप थोड़ा सा सैफरन डालेंगे। लक्ष्मी का और सैफरन का बहुत प्यार है। लिसनर्स, मैं सभी अपने लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि दिवाली के दिन में याद रखिए, आप लक्ष्मी जी को तुलसी का या गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं दे सकते, गलती से भी नहीं दीजिएगा। हाँ, विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, वासुदेव है, उनको आप जरूर तुलसी का भोग दे सकते हैं, उन्हें बहुत प्रिय है, हनुमान जी को बहुत प्रिय है, लेकिन लक्ष्मी जी या गणेश जी के आगे आप तुलसी का भोग नहीं रखें। तो तीन दिन तो मैंने आपको कहा दीपक जलाने के लिए, जिसमें आपने कपूर रखा, कपूर के ऊपर में दो लौंग रखी, आपने जलाया, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे आप उसी तरह दीपक जलाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सैफरन डालेंगे, केसर डालेंगे थर्सडे और फ्राइडे को, ताकि वो महक आपके घर में आए, आपके घर में लक्ष्मी हमेशा वास करें। और पांचवें दिन आप क्या करें, जो आपने पैनीज रखी थी 9 पैनीज, वो आपके चावल के कंटेनर में चली जाएंगी, जहां आपने जैगरी के ऊपर में आपने चांदी का या गोल्ड का सिक्का रखा था, वो आपके बैंक लॉकर में चला जाएगा, वहां पे रखेंगे आप उसको। वो चावल और गुड़ की आप खीर बना के सिर्फ आप अपने घर के फैमिली के मेंबर्स ही खाएंगे, बाकी और कोई नहीं खाएगा। अगर आप ये थाली बना के नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं और जहां पे मनी प्लांट छोटा सा साथ में रखते हैं, तो उस समय बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मनी प्लांट को पानी का छींटा दीजिएगा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का पानी को छींटा दीजिएगा। नॉर्थ की तरफ अगर इस रेमेडी को रख के आप कहते हैं, तो आप मर्करी को इन्हेंस कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का उसको कॉर्नर मिलेगा, तो आप जुपिटर को इन्हेंस कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ से वो एनर्जी आपके घर में आ रही है, तो आप सन को इन्हेंस कर रहे हैं। तो जब ये तीनों ही मेन प्लैनेट इन्हेंस हो गए, तो उस घर में कहाँ कमी होगी। दिवाली के दीपक जलाइए, बहुत अच्छी तरह से जलाइए, बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ में थोड़ा मन भी उदास होता है कि अनफॉर्चुनेटली इतनी फायर लगी जो नापा में, कि काफी लोगों का कितना का घर चला गया। इट इज रियली पेनफुल फॉर कि किसी के घर को ऐसा नुकसान हो जाए, क्योंकि इंसान घर बहुत मुश्किल से बनाता है, बनाता बहुत मुश्किल से, लेकिन जब एक ही रात में, एक ही थोड़े ही पल में ये तबाही हो जाती है, तो जिंदगी में उसको नहीं भूल सकता। वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रोनेमरोलॉजी की तरफ से हमारे को रियली ही, मैं इस चीज के लिए आई एम रियली सैड, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई दिस फीलिंग्स। मैं ये नहीं कहूंगी कि पटाखे, ऑफकोर्स जिनका घर जला मैं नहीं चाहती, ये हमारा एक कमिटमेंट है कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि थोड़ा दीपक जलाइए, उस दीपक को उन जलाते वक्त उस घर के लिए भी जलाइए कि जिनका घर इस आग की वजह से तबाह हो गया है।
इनहेंस ऑफ एवरी एलिमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव लिसनर्स, चाहे वो आग हो चाहे वो बरसात हो, कोई भी एलिमेंट अगर हद से ज्यादा जाएगा तो बर्बाद करता है। उसी तरह से ये एलिमेंट्स हमारे घर, हमारी बॉडी, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी ड्वेलिंग में भी है। जहां ये बढ़ जाते हैं या जहां ये कम हो जाते हैं, वहीं जीवन के बीच में तबाही आ जाती है। तो आपको क्या करना है, दीपक कुछ जलाइए, आगे पीछे साउथ ईस्ट की तरफ में थोड़ा दीपक घर के रखने की कोशिश कीजिए। घर के आपके आठ कॉर्नर तो हम देते ही देते हैं, वहां तो दीपक आप रखेंगे ही रखेंगे। तुलसी के पास में भी दिवाली की रात दीपक जरूर रखिए, क्योंकि कार्तिक का महीना है, सुबह शाम दीपदान बहुत अच्छा होता है। तुलसी के पास दीपक जरूर रखिए। घर के आठ डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, घर का सेंटर जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। और आपकी अगर टेरेस छत है या कोई भी जगह आपको मिलता है तो वहां पे भी जरूर जाइए, ताकि हम स्पेस को भी आगे बढ़ा सकें। इसके साथ में ज्यादा से ज्यादा अगर दीपक जलाना जाएं तो आप कोशिश करिए साउथ ईस्ट कॉर्नर में जलाइए। साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट को इन्हेंस करेगा, उससे आपकी जो घर की फीमेल्स का उनको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। घर में आपस में आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, इन चीजों को आप खत्म कर सकते हैं साउथ ईस्ट में अगर फायर एलिमेंट अपनी जगह लेता है। पूजा के स्थान पर जिस समय आप लक्ष्मी पूजन करें तो गणपति जी हमेशा लक्ष्मी जी के बाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि गणपति जी लक्ष्मी जी का बेटा मानी जाती हैं। यानी कि अगर आप देख रहे हैं तो आपके राइट हैंड में गणेश जी होंगे, लेफ्ट हैंड में लक्ष्मी जी होंगे। अगर आप भगवान की तरफ देख रहे हैं तो गणपति जी लक्ष्मी जी के लेफ्ट में होंगी। इस पोजिशन में आप उन्हें बिठाइए और साथ में सरस्वती को जरूर वास करिए। कुबेर जी की पूजा आपको 16th को करनी है, मंडे से करनी है कुबेर जी की पूजा। कुबेर जी की पूजा तीनों दिन रहेगी और पांचों दिन लक्ष्मी जी की, सरस्वती गणपति जी की पूजा रहेगी। कोई घर पे अगर अखंडित मूर्ति है तो निकाल दीजिए। एज यूजुअल कोई झाड़ू कोई पोछा नहीं हम एडवाइस करेंगे कि आप 16, 17, 18 यानी कि 19, 20 को भी करें। फूलों का बहुत ही है, जितना ज्यादा आप येलो कलर के रेड कलर के फ्लावर्स अगर देंगे लोटस, उतना ही अच्छा है। लक्ष्मी जी को लोटस बहुत पसंद है। अगर आपके पास में लोटस का फूल है तो आप उस लोटस के फूल के ऊपर में लक्ष्मी को बिठाकर पूजा करिए लक्ष्मी जी की। और कलर आपको जैसे मैंने बताया रेड ऑरेंज येलो, खुद भी पहनिए और उन्हें भी पहनाइए, ताकि आपके घर की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो वाइब्स बढ़े। घर को मानते हैं कि हम लॉक नहीं खुला नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी जिस समय दीपक हो या जिस समय लक्ष्मी आरती करें, थोड़ा सा दरवाजा को खुला रखने की कोशिश करें, ताकि उस पॉजिटिव एनर्जी को, उस पॉजिटिव वाइब्स को अपने घर में आने दीजिए। याद रखिए दोस्तों, हर रात के बाद सुबह आती है, हर सुबह के बाद शाम आती है। मैंने जैसे कि कहा कि हमें अफसोस है उन लोगों के लिए कि जिनका इस समय बहुत नुकसान हुआ है, परंतु फिर भी आपको आज भी खड़े होना है, दोबारा खड़ा होना है। हो सकता है उस भगवान ने इसके पीछे कुछ बहुत अच्छा आपके लिए रखा हो। तो हम यही दुआएं करती हैं इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक, जिसको भी इसमें लॉस हुआ है, भगवान उनका लॉस पूरा करे और उनको 10 गुना जाके उनके जीवन में खुशियां लेके आए। मानते हैं कि जानी अगर कोई चली जाती है तो वो भराव नहीं कर सकते, पैसे का तो फिर भी भराव हो जाता है। फिर भी वंस अगेन विश वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल योर फैमिली विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। वी ओनली प्रे टू गॉड कि आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट देना चाहती हूँ मैसेज नवाब्स किचन की तरफ से। आपका रेस्टोरेंट आपके लिए इंतजार कर रहा है। दिवाली के शुभ अवसर पे नवाब्स किचन की तरफ से आप सबको जो भी आएंगे, यू विल एंजॉय फ्री डेजर्ट, फ्री मिठाई, जलेबी, जो भी है आप एंजॉय कीजिए। साथ ही साथ हम जरूर आपको नेहा कक्कड़ जो शो आ रहा है November 3rd को, दिवाली के इस पर एक तरह की दिवाली गिफ्ट आपको देंगे। अगर जो भी आएंगे आप आके हमसे मिलिए, आपको एक टिकट नेहा कक्कड़ की नवाब्स किचन की तरफ से दी जाएगी। क्या बात है रेवा जी, आपने एक ही बार में इतनी सारी चीजें जो है बताई, आपने दिवाली के लिए इतनी सारी टिप्स दी, दिवाली के जितने आगे पीछे त्योहार हैं उन सबके बारे में बताया कि किस दिन क्या करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए। एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स इससे बहुत ज्यादा
बेनिफिट उठाते हैं, बहुत ज्यादा फायदा होता है उन सबको जो भी फॉलो करते हैं। अभी मेरा एक पार्ट रहता है टिप का। हाँ, अब जाते और भी बाकी है तो ओके, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंड नवाब्स किचन के लिए तो भाई हम क्या कहें, वी ऑल्सो थैंक देम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस शो। ये ढाई से लेकर तीन बजे तक का जो ये शो है नवाब्स किचन स्पॉन्सर करते हैं, तो वी आर थैंकफुल टू देम। लिसनर्स, इफ यू आर अ फूडी एंड इफ यू लाइक गुड फूड, दैट्स ऑल आई वुड से, नवाब्स किचन इज द प्लेस टू गो। नवधि और अवधि और नवाबी क्विजीन है उनका, और साग जो वहां पे स्पेशल एकदम बनता है वो भी आपको ट्राई करना चाहिए। बुलेट ना, देयर इज सो मच, और मैं क्या बताऊं आपको, साग मक्की की रोटी इस समय हमारा स्पेशल, वो तो डेफिनेटली आपका स्पेशल है। दैट्स एन अमेजिंग रेसिपी, सो डू गेट इन टच विद देम, डू चेक आउट नवाब्स किचन। फ्रीमॉन्ट हब में है, आर्गनॉट वे पे इन फ्रीमॉन्ट। और नेहा कक्कड़ का शो जैसे रेवा जी ने बताया 3 नवंबर को हो रहा है SJSU इवेंट सेंटर में एट 8 PM, सो डू अटेंड दैट एज वेल। टिकट्स के लिए यू कैन कॉल जयसिंग ऑन 5106772777 और नीरज सर ऑन 5105659518। और सैटरडे संडे को जो भी हमारे नवाब्स किचन रेस्टोरेंट पे आएंगे, अगर वो टिकट लेते हैं तो उसके साथ एक टिकट उनको फ्री मिलेगी नवाब्स किचन। दो टिकट लेने पे एक टिकट फ्री। हाँ जी, awesome, that's amazing. और of course, डू नॉट फॉरगेट, ये वास्तु का शो है जहाँ रेवा जी वास्तु की बात करती हैं, तो अगर आपके पास कोई वास्तु के सवाल होते हैं, यू कैन गेट इन टच विद रेवा जी डायरेक्टली ऑन हर नंबर 5108683338, 5108683338, और उनकी वेबसाइट है worldofdivinevastu.com। जी रेवा जी, तो आपके कौन सी और टिप्स बाकी हैं अभी? अभी बहुत टिप्स, एक लास्ट मेरी टिप्स है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस दिवाली। भाई ये भी कहना चाहती हूँ कि इस दिवाली के शुभ अवसर पे थैंक्स गिविंग को साथ लेते हुए चलते जाएंगे, तो हम आपको दे रहे हैं स्पेशल बिजनेस और घर के लिए अगर लेंगे तो डिस्काउंट पैकेज आपको मिलेगा। बिल्कुल आपको डिस्काउंट पैकेज मिलेगा जिसमें से आप अपना पूरा हमसे रिपोर्ट ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, दैट इज रिगार्डिंग द गोमती। गोमती चक्र के ऊपर में और हल्दी की जो कोडी होती है, पीले रंग की हल्दी कोडी और काले रंग की हल्दी कोडी के ऊपर में, इसकी गोमती चक्र के हम पिछले बार भी कुछ बात, हाँ जी, बात कर रहे थे, तो उसको हमने अपनी वेबसाइट पे भी लेके आ रहे हैं। तो उसको आपको करना है, अलग अलग नंबर है 5, 7, 9, 11, उसमें 5 की एक अपना फायदा है, 7 का अपना अलग है, 9 का अलग है, 11 अलग है। लेकिन अगर आप 5 वाला भी रखना चाहते हैं गोमती चक्र, तो दिवाली से लेके 16, 17, 18, 19 बीच 5 दिन के लिए आपको उससे उसकी पूजा करनी है। उसकी पूजा करते समय आपको पीली हल्दी कोडी को भी साथ में प्रयोग उसका करना है। ये आपको घर में सुख शांति के लिए, आपके सक्सेस के लिए, बिजनेस के लिए, इन सब चीजों के लिए हम इसका फायदा लेते हैं। जब आप गोमती चक्र की पूजा करते हैं तो उससे पहले इसको बिल्कुल आपको दूध से धोना है। दूध से धोने के बाद में इसको आपको हल्दी में, चावल में भिगो के रखनी है, क्योंकि ये समुद्र के मंथन करके निकलती है, इसलिए ये लक्ष्मी विष्णु प्रिय मानी जाती है। और इसको आपको अपनी पॉकेट में हमेशा के लिए, चाहें तो चावल के साथ, लौंग के साथ, इलायची के साथ अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। सबसे जरूरी जो लास्ट है वो है वेडनेसडे की दिवाली होने के ऊपर में, सवेरे नहा धोकर कोशिश करिए कि आप आपके हस्बैंड या जो भी घर में काम करने वाले हैं, जैसे ही घर से पहला कदम बाहर निकालें काम की तरफ जाने के लिए, तो 5 इलायची मुंह में डाल के जाइएगा, बहुत अच्छी रहेगी। मर्करी बहुत इन्हेंस करेगी आपके हर एलिमेंट को, आपके ग्रीन को, आप हर चीज को इन्हेंस करके फायदा उठाते हैं। जिस दिन वेडनेसडे को दिवाली है, 5 इलायची मुंह में डालें, मुंह में तब अपना राइट फीट घर से बाहर निकालें और नॉर्थ की तरफ पांव रखिएगा निकलते वक्त, जिस तरफ जैसे कि आपके घर से बाहर निकल रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि आपका साउथ की तरफ से रास्ता निकलता है, नहीं करके आप गाड़ी बैक को कर लीजिएगा, नॉर्थ की तरफ से घूम लेके थोड़ा सा आगे जाके फिर टर्न कर लीजिए जिधर भी रास्ते को जाना है। नॉर्थ ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस ईयर, क्योंकि यही नॉर्थ आपका आगे तक जड़ेगा जो अगला साल हमारा चंद्रमा को लेके जा रहा है। क्योंकि वास्तु की हम आपको जो भी टिप देते हैं वो मैं आपको सिर्फ 3 मंथ्स की नहीं देती हूँ, मैं आपको परमानेंट आगे उसके लिए सोल्यूशन देती हूँ। तो अगर आप अभी नॉर्थ को इनहेंस करेंगे तो जो 3 महीने बाद में हमारा चंद्रमा का साल आ रहा है नॉर्थ को लेते हुए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से चंद्रमा राइजेस कॉर्नर से शुरू होकर ईस्ट की तरफ आता है, तो मुझे उसको बैलेंस करना है, तो उसको नजर रखते हुए हम आपको ये रेमेडी बताते हैं। उम्मीद है लिसनर्स आप इंजॉय करते हैं शो को,
फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर कॉल करिए शो के बाद में। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमसे स्केचुअल भी कर सकते हैं और फिर नवाब्स किचन पे भी मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली वहाँ तो आप लोग ज़रूर जा सकते हैं। 5107701550 स्टूडियो का नंबर है एंड रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है 5108683338 5108683338। उनकी वेबसाइट है worldofdivinevastu.com एंड यू कैन ऑल्सो सेंड हर अ मैसेज ऑन हर ईमेल एड्रेस divineavc@gmail.com और रेवा जी का जो एक ऐप है डिवाइन वास्तु का, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं जो डिवाइन वास्तु के नाम से ही है। इट्स ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर, सो यू कैन डाउनलोड इट एंड बहुत ही हेल्पफुल ऐप है बिकॉज उसमें इनबिल्ट कंपस है और उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है। रेवा जी, शो हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड? कुछ एक मिनट है हमारे पास। हमारे पास में एक मिनट में यही कहूंगी कि आप इस दिवाली को बहुत अच्छी तरह से मनाइए और कोशिश करिए कि आप अपने आप को थोड़ा उन लोगों के साथ भी जोड़ सकें जिनको इस समय बहुत परेशानी आई है। अगर आपका थोड़ा एक उनके पास में दो मिनट भी आप खड़े हो जाएंगे या उनसे आप बात कर सकते हैं या उन्हें किसी भी वजह से हेल्प कर सकते हैं तो दैट इज ए ग्रेट हेल्प फॉर ऑल ऑफ देम। दिस इज ओनली आई वॉन्ट टू से वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आपके सामने धनतेरस की, छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ऑल अराउंड ये मत सोचिए कि आप अपने देश से दूर हैं, देश आपके साथ है, आप उसको एंजॉय करने का तरीका ढूंढिए। बहुत अच्छे बात कही आपने रेवा जी, देश आपके साथ है, जहां आप है वहीं सब कुछ है। रेवा जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एयर विद अस। आपने जो टिप्स दी हैं आई होप सब लोगों ने नोट करी हो। लिसनर्स अगर आपने नोट नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियो जिंदगी की वेबसाइट पे रेडियो जिंदगी की वेबसाइट पे आर्काइव अपलोड होगी, आप वहां पे सुन सकते हैं। रेवा जी विल बी अपलोडिंग द शो कॉपी एज वेल, तो आप वहां भी सुन सकते हैं। और कुछ नहीं हो सो लॉग ऑन टू हर वेबसाइट worldofdivinevastu.com और कॉल हर ऑन 5108683338। दिस इज ईरा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी ऑल ऑफ यू टुमारो मॉर्निंग एट 8 AM। तब तक के लिए रेवा जी जय माता दी। जय माता दी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra.